तो अब हम नेत्र रोग की क्लासिफिकेशन मतलब नेत्र रोग 76 है उसमें आज का हमारा टॉपिक है दृष्टिगत रोग। इससे पहले हमने किए थे सर्वगत रोग जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हम पढ़ते हैं दृष्टिगत रोग। ये हमारे जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने 12 बताए हैं, तिमिर, कांच और लिंगनाश। एक ही मतलब अलग अलग कंडीशन करके इनकी अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन बात एक ही है, तिमिर, कांच और लिंगनाश। जैसे वातज कांच भी बोल सकते हैं, वातज तिमिर भी और वातज लिंगनाश भी। ये 6 बोले हैं इन्होंने, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपाताज और संसर्गज या परिमिलाय। इसमें होता है पित्त दोष, ठीक है, कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, हर्षविजाढ्य, नकुलांधे और गंभीरिका। ठीक है, अब जो हमारे भागवत हैं उन्होंने और इनकी क्लासिफिकेशन बहुत अलग हो जाती है। भागवत ने जो हमारे दृष्टिगत रोग बोले हैं वो हमारे बोले हैं 27। ठीक है, क्यों बोले हैं? क्योंकि उन्होंने 6 तिमिर अलग बताए हैं, 6 कांच अलग और 6 लिंगनाश अलग। तो जो सुश्रुत ने इनको 6 ही बताया है, उन्होंने इनका 18 कर दिया, 6 तिमिर, 6 कांच, 6 लिंगनाश। ठीक है, कफ विदग्ध दृष्टि इन्होंने नहीं माना, कफ विदग्ध ने मान के इन्होंने पित्त विदग्ध को तो माना है, पित्त विदग्ध माना है और यहाँ पे उष्ण विदग्ध और अमल विदग्ध दृष्टि ऐड किया है। उष्ण विदग्ध दृष्टि, अमल विदग्ध दृष्टि और पित्त विदग्ध माने, धूमदर्शी को माना है, हर्ष विजाढ्य, नकुल आंधे और गंभीरिका। इनके अलावा 18 ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 दो कौन से बोले हैं? रात्रि आंधे और औपसर्गिक लिंगनाश। ठीक है, इनको 6 को अलग बताया, उष्ण विदग्ध, अमल विदग्ध, पित्त विदग्ध, धूमदर्शी, हर्षविजाढ्य, नकुलांधे, गंभीरिका, रात्रि आंधे और औपसर्गिक लिंगनाश। इस प्रकार भागवत के हो जाते हैं 27 नेत्र रोग। इस तरीके से जो भागवत है उन्होंने 27 बोले हैं दृष्टिगत रोग। अब हम इनके पढ़ते हैं दोष और इनकी साधा साधता और चिकित्सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोष। ये तो ऑब्वियस है, वात वाला वातज है, पित्त वाला पित्तज, कफ वाला कफज, रक्तज, ये सन्निपातज, जो संसर्गज है वो पित्तज है। कफ विदग्ध दृष्टि है तो यानी कफ है इसमें, पित्त विदग्ध दृष्टि मतलब पित्त, धूमदर्शी भी पित्तज है और हर्षविजाढ्य भी पित्तज है। ठीक है, नकुलांधे हमारा होता है सन्निपातज और जो हमारी गंभीरी का होती है ये होती है वातज, गंभीरी का वातज हो गया। अब इनकी पढ़ते हैं हम साध्य साध्यता। तो जो हमारे कांच, तिमिर, लिंगनाश ये 6 होते हैं याप्य। ठीक है, कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ये 3 ये हमारे होते हैं साध्य और हर्षविजाढ्य, गंभीरिका और नकुलांधे ये हमारे होते हैं असाध्य। आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, दैट इज गुनाह। गुनाह हमारा असाध्य, मतलब क फॉर गंभीरिका, न फॉर नकुलांधे, ह फॉर हर्षविजाढ्य, ये होते हैं हमारे असाध्य। अब हम पढ़ते हैं इनकी चिकित्सा। ये तो यहाँ पे है, ये असाध्य, तो जो साध्य है ये क्या है? हमारे अशस्त्रकृत, ये तीनों मतलब जो कफ विदग, पित्त विदग, धूमदर्शी, ये अशस्त्रकृत है, ये यहाँ पे है और ये असाध्य है। ठीक है, अब हम इन्हीं के पढ़ते हैं मॉडर्न कोरिलेशंस। अब हमारे जो तिमिर ये सब है, कांच, लिंगनाश, इनको हम कोरिलेट करते हैं कैटारैक्ट से।
मतलब जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद ऐसे भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है जो लेंस है उसकी क्या हो जाती है, जो लेंस के फाइबर होते हैं उनकी डी जनरेशन शुरू हो जाती है। लेंस फाइबर्स होते हैं जो, उनकी डी जनरेशन और ओपेसिफिकेशन से होता है, मतलब उनमें भी ओपेसिटी हो जाती है। लेंस फाइबर की डी जनरेशन और ओपेसिफिकेशन से कैटरेक्ट होता है। अब आते हैं कफ विधक्त दृष्टि को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जो नकुलांध है हमारा उसको भी मॉडर्न में हम नाइट ब्लाइंडनेस से कोरिलेट करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है कि जो डिम लाइट में जो पर्सन वो देख नहीं पाता। हमारे जो विजन के लिए दो तरीके की सेल्स होती हैं हमारी आंख में, रोड्स एंड द कॉन्स, ठीक है। तो जो डिम लाइट का विजन होता है वो रॉड्स की हेल्प से होता है, मतलब ये डिम लाइट में जो एक्टिवेट होती है वो रॉड्स है, और जो हमारी ब्राइट लाइट में काम करती है वो कॉन्स है, ये डिम लाइट में काम करती है, ठीक है। तो हमारी अगर रॉड्स में किसी प्रकार की डीजनरेशन, कोई भी डिजीज होती है तो उसकी वजह से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए दृष्टिगत रोग। इसके अलावा जो आचार्य सुश्रुत ने 76 नेत्र रोगों में दो बाह्य रोग भी बताए थे, दैट इज सनिमित्त लिंगनाश, सनिमित्त और अनिमित्त, ये भी हमारे असाध्य हैं और इनको हम मॉडर्न में कोरिलेट कर सकते हैं ऑप्टिक एट्रोफी से, मतलब जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसकी डीजनरेशन हो जाना, उसकी एट्रोफी हो जाना, उसको बोलते हैं ऑप्टिक एट्रोफी। तो ये थी हमारी दृष्टिगत रोग। हमारे जो ये नेत्र रोगों की जो क्लासिफिकेशन है जो आश्रय अनुसार हमने पढ़ी, दैट इज सबसे पहले हमने पढ़े संधिगत रोग, फिर हमने पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ी थी शालक के उसकी डेफिनेशन और रोगों का वर्गीकरण, फिर हमने संधिगत रोग पढ़े, वर्तमगत, शुक्ल, कृष्ण, सर्वगत और अब हमने पढ़े दृष्टिगत। तो ये जो नेत्र रोग है इनकी क्लासिफिकेशन हमारी आश्रय अनुसार खत्म होती है, और जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके आप इनको अलग देख सकते हैं कि ईएनटी का टॉपिक कौन सा है और ऑप्थेल्मो का कौन सा है, वो आपके लिए इजी होगा।